नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल उपाध्याय आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। पिछली क्लास में हमने संज्ञा के बारे में पढ़ा था, आज हमारा हिंदी का टॉपिक है स्वरनाम। भाई नाउन और प्रोनाउन एक साथ पढ़ते थे ना इंग्लिश में, इसी तरीके से संज्ञा और स्वरनाम ये दो चीज़ें हैं, छोटे छोटे टॉपिक हैं। कल हमने संज्ञा कंप्लीट करा, आज हम स्वरनाम के बारे में देखेंगे। देखो पहले आपको समझना है, ध्यान से सुनो, लिखना नहीं है। स्वरनाम कहते किसे हैं? जैसे हमने बताया था कि किसी संज्ञा में बताया था किसी वस्तु का नाम, किसी स्थान का नाम या किसी व्यक्ति का नाम क्या है, संज्ञा है। अब देखो इसकी अगर मैं परिभाषा की बात करूं, परिभाषा क्या है इसकी, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वो स्वरनाम कहलाते हैं, वो स्वरनाम कहलाते हैं। जैसे देखो भाई, स्वरनाम देखो किसे कहेंगे, जैसे मैंने कह दिया कि राम जाता है, ठीक है, ये क्या है, संज्ञा है। अब इसके स्थान पर जो मैं प्रयुक्त करूंगा राम के लिए वो क्या हो जाएगा, स्वरनाम। जैसे मैंने बोल दिया वह जाता है, ठीक है, तो वह ये क्या है, ये है स्वरनाम। और संज्ञा पढ़ा था हमने, तो राम क्या था, संज्ञा, ठीक है। और संज्ञा के स्थान पर हमने वह का प्रयोग करा है, यानी कि राम के स्थान पर वह का प्रयोग करा है, तो ये क्या हो गया, स्वरनाम, ठीक है। सीता, सो रही है, ठीक है। अब सीता के स्थान पर वह सो रही है, तो कुल मिलाकर बात यह है जो संज्ञा के स्थान पर शब्द प्रयोग किए जाएंगे वो स्वरनाम है, ठीक है। अब देखो तुम बुक में भी पढ़ते हो, किताबों में पढ़ते हो, जैसे मान लो महात्मा गांधी के बारे में पढ़ रहे हैं आप कि महात्मा गांधी बहुत महान थे, तो बार बार महात्मा गांधी नाम थोड़ी ना लिया जाएगा उसमें, उसमें क्या कहा जाएगा कि वह, हाँ या वे, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग होगा, ठीक है। तो किताबों में भी तुमने देखा होगा, इसी तरीके से जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वे स्वरनाम कहलाते हैं। लिख लो एक बार इसे, फिर इसके प्रकार पढ़ेंगे। और ध्यान रखना, अगर आपसे हिंदी में स्वरनाम की संख्या पूछे, स्वरनाम की संख्या, ध्यान रखना भाई, संख्या की बात कर रहा हूं मैं, तो संख्या है कितनी, 11, ठीक है। अगर इसके भेद की बात करें कि भेद यानी कि प्रकार कितने हैं, तो प्रकार है 6, ठीक है। जैसे हमने संज्ञा में कितने देखे, मूल प्रकार कितने, 3, और पढ़े कितने थे हमने, 5। तो यहां इसके स्वरनाम के जो प्रकार है वो कितने हैं, 6। और हिंदी में इनकी संख्या स्वरनाम की होती कितनी है, 11 होती है, ठीक है। संख्या कभी कभी पूछी जाती है और प्रकार हमको पढ़ने हैं, नोट करो जल्दी से। हो गया नोट? नंबर 1, देखो अब हम पढ़ेंगे इसके स्वरनाम के भेद, और भेद की संख्या कितनी है, 6 है, ठीक है। तो इसमें पहला नंबर हम पढ़ेंगे पुरुषवाचक स्वरनाम, पुरुषवाचक स्वरनाम, ठीक है। नंबर 1 है पुरुषवाचक स्वरनाम। पुरुषवाचक देखो ये 3 प्रकार का होता है, ये भी कितने प्रकार का भाई, 3 प्रकार का। अगर नंबर 1 की बात करूं मैं, तो यहां पर होता है उत्तम पुरुष, क्या होता है, उत्तम पुरुष, ध्यान से समझना भाई इसको, आप नोट बाद में करना, ध्यान से समझो पहले। ये क्या है, मध्यम पुरुष है, मध्यम पुरुष। और ये क्या है, अन्य पुरुष, अन्य पुरुष, यानी कि स्वरनाम का पहला ही प्रकार है, पहला भेद है जिसका नाम है पुरुषवाचक, और इसके प्रकार कितने हैं, 3। पुरुषवाचक के भी 3 प्रकार हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब आप ये देखो, उत्तम में क्या आएगा, मैं,
हम, ठीक है, मध्यम में तुम, आप, अन्य में वे, वह, ठीक है, ऐसे शब्द आएंगे। आप सुनो, इसे याद करने वाला तरीका बता रहा हूं मैं तुम्हें। आपको कोई शब्द देगा और आपसे पूछेगा कि बताओ निम्नलिखित में से ये उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है या अन्य पुरुष है, तो आपको कैसे करना है, ध्यान से सुनो भाई, नोट बाद में करना, मैंने तुमसे कहा कि नोट बाद में करना। सुनो, उत्तम पुरुष, आप जो है, हर व्यक्ति अपने आप में उत्तम मानता है, अपने आप को मानता है नहीं मानता बताओ तुम, ठीक है, तो अपने लिए क्या यूज करता है वो, मैं, हम, ठीक है, मैं बहुत अच्छा हूं, है ना, हम बहुत बढ़िया हैं, चाहे वो कैसे भी सही, ठीक है, तो उत्तम है, अपने आप को उत्तम मान रहा है, और वो किसी अगर दूसरे से बात कर रहा है तो वो क्या करेगा, तुम भी ठीक ठाक हो, तुम भी बढ़िया हो, है ना, हम तो हैं ही बढ़िया, तुम भी बढ़िया हो, ठीक ठाक हो, और उसे ज्यादा इज्जत देना चाह रहा होगा तो क्या कहेगा, आप, है ना, आप, तो ये मध्यम में रख दिया, बीच में रख दिया, उत्तम में कौन हो, तुम हो, और मध्यम में कौन है, जो दूसरे वाला है, जो हमसे बात कर रहा है, ठीक है, हम उससे कह रहे हैं भाई तुम भी ठीक ठाक हो लेकिन हमसे बढ़िया ना हो तुम भी, ठीक है, ऐसे। अरे अन्य पुरुष में, अन्य पुरुष में वे, है ना, वह, है ना, वह तो बहुत आराम है भाई, है ना, दूसरे से बात करके तुम कहते ना हो, है ना, वे तो बहुत बेकार आदमी है, तो अन्य पुरुष में आ जाएंगे ये चीजें, है ना, हमने अन्य में धर दिए, उत्तम में तो हम है, मध्यम में जो हमसे बात कर रहा है हमारा दोस्त है वो है कि तुम भी ठीक ठाक हो भाई, बढ़िया हो तुम भी, और अन्य पुरुष में हम जिसकी बुराई कर रहे हैं, ठीक है, ये तरीका बताया मैंने आपको कि कैसे आप पहचानेंगे, ठीक है, तो इस तरीके से आप पहचान सकते हैं। अब देखो ये भी चेंज हो सकते हैं, मे का क्या हो जाएगा, मे का तो मे रहेगा, और हम का हमारा हो सकता है, ठीक है, तुम का तुम्हारा हो सकता है, आपका आपका हो सकता है, आपका, ठीक है, इस तरीके से, तो ये भी चेंज हो सकती है, वे और वह, लिखो इसे, नोट करो पहले आप, यहां पर देखो और भी आ जाएंगे शब्द, तुझे भी आ जाएंगे, तुझे, तुझको, ऐसे शब्द भी आते हैं, और मान लिया हम उससे इज्जत से नहीं बोल रहे तो तू भी इसी में ही आएगा कि तू भी ठीक ठाक है भाई, दोस्त को तो ऐसे ही बोलते हैं, नहीं बोलते बताओ तुम, मध्यम पुरुष में, वे, वह, उन्हें, उन्होंने, ऐसे शब्द आएंगे यहां अन्य पुरुष में, ठीक है, उसे या उसको भी, उसे, उसको, ये शब्द अन्य हैं, ठीक है, पहचान लोगे तुम, मतलब जो सेकंड वाला पर्सन है उसे मध्यम में रखना है, जो और तीसरे की बात कर रहे हैं उसे अन्य पुरुष में रखना है, ठीक है, समझ में आई बात भाई, बताओ जल्दी, पहला प्रकार यही है, पहला प्रकार इसका समाप्त हुआ पुरुषवाचक का। अब देखो पुरुषवाचक के तीन प्रकार बताए, तीनों में दम है कुछ नहीं है, ये बिल्कुल बढ़िया है, समझ में आया, बहुत ही इजी है, नोट कर लिया, चलो दूसरा लिखो, तो नंबर दो, निश्चयवाचक स्वरनाम, निश्चय वाचक स्वरनाम, देखो इसकी परिभाषा की बात करूं, जिसमें निश्चितता का बोध होता है, निश्चयवाचक स्वरनाम कहलाता है, निश्चयवाचक स्वरनाम कहलाता है, जिसमें निश्चितता का बोध होता है वह निश्चयवाचक स्वरनाम है। निश्चितता कैसे, उदाहरण से समझो भाई, मैंने आपको कह दिया, मैंने दिखा के कह रहा हूं मैं तुम्हें, यह गाड़ी मेरी है, है ना, मतलब उंगली दिखा के कह रहा हूं कि यह गाड़ी मेरी है, तो आपके दिमाग में क्या होगी, निश्चितता कि यह गाड़ी इनकी है, तो यह गाड़ी मेरी है,
आपको अपना घर दिखा के कह रहा हूं, यह घर मेरा है, यह घर मेरा है। तो निश्चितता की, निश्चितता का क्या हो रहा है, बोध हो रहा है, निश्चित कर रहा हूं मैं इस बात को। जिसके बारे में तुम्हें पता ही नहीं है वो तो अनिश्चित हो जाएगा, जिसके बारे में हम दिखा के कह रहे हैं तुम्हें, है ना, हम दिखा के कह रहे हैं कि यह है मोबाइल मेरा है, तो यह है मोबाइल की बात करी है, ठीक है, दिखा के कह रहे हैं। तो वहां पे जिसमें निश्चितता का बोध हो, जहां कोई संदेह ना हो कि इनकी है भी या नहीं भी, है ना, निश्चितता का बोध होना चाहिए, तो निश्चयवाचक स्वर नाम है, ईजी है बोध, ठीक है। एक दो एग्जाम्पल लिख लो, यह गाड़ी मेरी है, यह घर मेरा है, यह मोबाइल मेरा है, यह स्कूल मेरा है, ठीक है, बहुत ही इजी है ये निश्चयवाचक स्वर्णनाम। कर लिया नोट, देखो अब नंबर तीन, अनिश्चयवाचक वाचक स्वर्णनाम, अनिश्चयवाचक स्वर्णनाम लिखो, जिसमें निश्चितता का बोध न हो, जिसमें निश्चितता का बोध न हो, मतलब पता ना हो उसके बारे में, जिसमें निश्चितता का बोध ना हो, उदाहरण देखो, बाहर कोई आया है, बाहर कोई आया है, अब भाई तुम्हें क्या पता कौन आया है, अगर हमें पता चल जाता राम आया है, श्याम आया है, सोहन आया है, तो आप फिर यहां पे क्या लगाते, निश्चितवाचक स्वर्णनाम, निश्चयवाचक स्वर्णनाम। अब जब तुम्हें आपको पता ही नहीं है कि कौन आया है, है ना, अब आपसे कह दिया, जैसे मान लिया कहीं काम करवाने जाते हैं ना, तो तुमने देखा होगा कि कहीं रिश्वत वगैरह देते हैं, है ना, रिश्वत वगैरह देते हैं, तो मान लिया तुमने कोई काम करवाया, अब उन्होंने क्या कहा तुमसे, कुछ कुछ दे दीजिए, है ना, तो कुछ दे दीजिए का मतलब क्या है यहां पर, अब तुम्हें कोई अमाउंट थोड़ी ना बताइए उनने कि भाई 500 दे दो, 1000 दे दो, 3000 दे दो, आपसे कह दिया कुछ दे दीजिए, अब तुम कहोगे यार कितना दे दें, कितने रुपए दें, ठीक है, अगर उसने अमाउंट बता दी भाई इतने रुपए दे दो तुम, तो फिर वो क्या हो गया, निश्चयवाचक, ठीक है। अब उन्होंने कहा कुछ दे दीजिए, अब कुछ दे दीजिए, अब तुम 100, 200, 500 कुछ तो पकड़ाओगे, है ना, तो वो काउंटिंग में नहीं आएगा, अनिश्चयवाचक स्वर्णनाम हो जाएगा। दूसरी बात, घर में कोई है, घर में कोई है, अब भाई तुम्हें क्या पता क्या है, ठीक है, निश्चितता नहीं है, हो सकता है कोई मेहमान है, हो सकता है कोई भूत है, ठीक है, तो वो अनिश्चयवाचक स्वर्णनाम में आएगा, है ना, इजी बहुत, ठीक है, ये तीसरा भी प्रकार कंप्लीट। नेक्स्ट चलें, नंबर चार, पर्सन वाचक स्वर्णनाम, पर्सन वाचक स्वर्णनाम लिखो, जिसमें प्रश्नों प्रश्न पूछने का, जिसमें प्रश्न पूछने का बोध होता है, प्रश्नवाचक स्वर्णनाम कहलाता है। जैसे भाई कौन, कब, कैसे, क्या, ये प्रश्नवाचक स्वर्णनाम कहलाता है, ठीक है। जैसे मैंने आपसे पूछा, तुम कल क्लास में क्यों नहीं आए थे, और यहां पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा मिलेगा, सबसे बड़ी पहचान तो यही है, ठीक है, तुम कल क्लास क्यों नहीं आए थे, तो आपसे क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है, तो प्रश्न पूछा है तो प्रश्नवाचक स्वर्णनाम है, ठीक है, प्रश्नवाचक स्वर्णनाम। तुम क्या कर रहे हो,
पर्सन वाचक स्वर्णनाम। तुम्हारे घर कल कौन आया था, पर्सन वाचक स्वर्णनाम। ठीक है, तो ये पर्सन वाचक स्वर्णनाम है। और यहां पर सबसे बड़ी पहचान ये है कि पर्सन वाचक चिन्ह लगा मिलेगा आपको। पर्सन वाचक चिन्ह आप सभी जानते हैं ये वाला, और कई बार यूपी पुलिस में देखो कितना इजी पर्सन वाचक चिन्ह ये तक भी पूछा गया। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको विराम चिन्ह पहले ही करा दिए हैं। और आपको एक ये पूछा गया था, ये कौन सा चिन्ह है बताओ, ये विस्मयादिबोधक है, ये पर्सन वाचक, ये वाला बताओ, ये वाला, ये लागव चिन्ह है। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो चिन्हों से भी अब देख लो, एक नंबर ये फ्री का है बिल्कुल। ये कर लिया नोट भाई, है ना, एक दो एग्जांपल और लिखना चाहो तो लिख लेना, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे घर कल कौन आया था, है ना, ऐसे एग्जांपल आप जो है अपने आप से बना लेंगे इसमें। बहुत इजी टॉपिक है। नेक्स्ट लिखो भाई, संबंध वाचक स्वर्णनाम। संबंध वाचक स्वर्णनाम ये नंबर है 5। संबंध वाचक स्वर्णनाम लिखो। सिंपल सी बात, जो संबंध दर्शाता है, संबंध वाचक स्वर्णनाम कहलाता है। जो जिसका, इसमें कैसे शब्द आएंगे, जो सो जैसा वैसा, जो सो जिसका उसका, जैसा वैसा। ठीक है, ऐसे ऐसे शब्द इसमें आएंगे संबंधवाचक में, संबंध दर्शाएगा ये। उदाहरण से बताता हूं आपको, जो आया सो जाएगा, जो आया सो जाएगा। सोना मतलब ऐसा नहीं नींद निकाल लेगा वो, हैं? जो आया है धरती पर वो जाएगा जरूर, है ना, इस तरीके के मुहावरे देखिए ना, जो बोओगे सो काटोगे। ठीक है, इस तरीके के भी शब्द आते हैं इसमें। अब देखो यहां वाक्य संबंध को भी दर्शाते हुए आ सकते हैं, जैसे राम के पिताजी, राम के पिताजी कल मुंबई गए थे, मुंबई गए थे। अब देखो किसके पिताजी हैं, राम के, संबंध दर्शाया भाई, है ना, संबंध दर्शाया है तब भी जो है संबंध वाचक स्वर्णनाम होगा, राम के पिताजी। जो आया सो जाएगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, है ना, ये मुहावरा भी देखो इससे फिट बैठ रहा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो बोओगे सो काटोगे, मतलब जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा, इसका मतलब ये है। ठीक है, अब कर्म बढ़िया करो, मेहनत करोगे तो फल उतना ही मीठा मिलेगा। लिखो नेक्स्ट, निजवाचक स्वर्णनाम। अब लिखेंगे निजवाचक स्वर्णनाम, निजवाचक स्वर्णनाम लिखो। निजवाचक में मतलब निजी, जैसे निजी की बात होगी, जैसे स्वम, इसकी कोई परिभाषा नहीं है, निजी मतलब स्वम, खुद, अपने आप, अपने आप। ठीक है, ये है निजवाचक, स्वयं खुद अपने आप। जैसे मैं तुमसे कह लगूं अपना काम स्वयं करो, अपना काम स्वयं करो, तो ये बताओ कैसा हो गया, ये हो गया निजवाचक, तुमसे कहा है कि अपना काम स्वयं करो। भाई तुमसे किसी ने ये कह दिया कि वहां उधर को मत जाइए, वहां 4 शेर हैं, कितने शेर हैं, 4। अब बताओ अगर कोई मना कर रहा है तो वहां जाने की इच्छा करे ना करती है भाई, अगर कोई किसी काम को मना कर रहा है
तो बहुत से बालक ऐसे हुए हैं कि जाकर देखेंगे जरूर क्या है वहां है, तो हम खुद जाकर देखेंगे, हम खुद जाकर देखेंगे। लो हम खुद जाकर देखेंगे, तो खुद स्वयं अपने आप ऐसे भी बोलते हैं, हम अपना काम अपने आप कर लेंगे बोलते हैं ना ऐसे, तो अपने आप मतलब क्या है, निजवाचक स्वर्णाम है, निजवाचक स्वर्णाम है। देखो भाई एक बात ध्यान रखना, ये जो चीजें हैं ना, ये जैसे हमने हर उसमें यूज करी है जिसका उसका ये, तो ये जो है ना, जो मैंने आपको स्वर्णनाम की हिंदी में संख्या बताई है ना, यही चीज काउंट होती है इसमें, ठीक है, तभी बैठ के 11 होती है। और ये जो है इसके भेद हैं, पहचान कैसे करनी है, मैं सिर्फ पहचान पढ़नी है। ये हिंदी में स्वर्णनाम की संख्या पूछी जाए तो बता देना 11, और बाकी जो भेद हैं ये है 6, ठीक है। ये हुआ कंप्लीट, और ये हमारा टॉपिक भी कंप्लीट, ठीक है। एक बार मैं बता देता हूँ, स्वर्णनाम मैंने किसको कहा, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, ठीक है। स्वर्णनाम की हिंदी में संख्या 11, बोलो भेद कितने 6। नंबर एक बताया पुरुषवाचक, वो भी 3 प्रकार का, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। देखो अपना खुद व्यक्ति जो है, चाहे वो कैसा भी है, उसे अपने आप को उत्तम मानना है। क्या मानना है? उत्तम। तो वो अपने लिए क्या प्रयोग करेगा, हम, मैं, है ना, मैं बहुत अच्छा हूं, हम बहुत बढ़िया हैं। और दूसरे वाला सामने चाहे तुमसे कितना बढ़िया सही, उससे क्या कहोगे, तुम भी ठीक ठाक हो, है ना, पर हमसे बढ़िया नहीं हो, है ना। तो मध्यम पुरुष में अगर हम उससे बात करें, तू भी ठीक ठाक है, तो तू भी किस में आएगा, मध्यम में, है ना। तो ज्यादा इज्जत दे रहे हैं आपका, है ना, आप भी बढ़िया हो, तो तब भी किस में, मध्यम पुरुष में। और औरों की बात कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं औरों से, है ना, तो वो किस में आ जाएगा, अन्य पुरुष में, है ना, कि वो बहुत निकम्मा है, वे बहुत हराम है, है ना, इस तरीके से करते हैं ना भाई बुराई, तो वे अन्य पुरुष में आ जाएंगे। दूसरा हमने पढ़ा निश्चयवाचक, निश्चयवाचक में बिल्कुल निश्चितता दर्शाएगा, यह मेरा मार्कर है, दिखा के कह रहा हूं मैं तुम्हें, दिखा के, ठीक है, यह बाइक मेरी है, उंगली लगा के रख के कह रहा हूं हाथ, कि यह बाइक मेरी है भाई, ठीक है। निश्चितता तुम्हारे अगर दिमाग में होगी तभी निश्चयवाचक लगाओगे, अगर निश्चितता तुम्हारे दिमाग में नहीं है तो फिर क्या आ जाएगा, अनिश्चयवाचक। जैसे बाहर कोई खड़ा है, कमरे में कोई घुसा है, ठीक है, रात रात को कोई आया था, है ना, तो इस तरीके के जो मतलब जिसमें हमें कुछ पता ही नहीं है, कि अंदाजा ही नहीं है कि कौन आया था, है ना, कितने रुपए किसी को दिए थे, तो उसमें अनिश्चयवाचक स्वर्णनाम होगा, ठीक है। फिर हमने कौन सा पढ़ा बताओ, फिर हमने अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक बताई दिया भाई, और इसके बाद में संबंधवाचक, संबंध जो होगा, ठीक है, संबंध किसी का होगा किसी से, जैसे मैंने आपको बता दिया राम के पिताजी, सीता की माताजी, है ना, ये सब क्या है, ये संबंध है। दूसरा और मैंने आपको क्या बताया इसमें, उसमें आएगा जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो बोओगे सो काटोगे, संबंध में आता है, ठीक है। कभी तुम क्या बोलोगे, इसमें संबंध ही नहीं है, संबंध ऐसे उसमें भी है जो मुहावरे होते हैं, मुहावरे टाइप के, ठीक है। दूसरा मैंने आपको प्रश्नवाचक बताया, प्रश्नवाचक में प्रश्न चिन्ह लगा मिलेगा, या आप किसी से प्रश्न कर रहे हैं वहां पर प्रश्नवाचक स्वर्णनाम होगा, ठीक है। दो और लास्ट वाला, ये निजवाचक स्वर्णनाम है, स्वयं खुद अपने आप, ये आपको प्रयोग करेंगे। अब देखो इसका फायदा कब मिलेगा, इसका फायदा तब मिलेगा जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, तुम्हें क्वेश्चन तो देखने को मिलेंगे कम से कम, कि भाई किस तरीके के क्वेश्चन है और हम इसमें स्वर्णनाम को कैसे पहचानें, ठीक है। प्रैक्टिस अगर हम किसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं वो हमारा अच्छा हो गया, जब तक आपने प्रैक्टिस नहीं करी तो आप अच्छा नहीं मान सकते उसे, क्योंकि अगर बाद में अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी और आपके सामने क्वेश्चन आया और वो तुमसे गलत हुआ तो बेकार है फिर, ठीक है। तो ये टॉपिक हुआ कंप्लीट, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और दोस्तों इसमें इस तरीके की वीडियो हम हिंदी की डालते रहते हैं जो एग्जाम से रिलेटेड होती हैं सारी की सारी, तो जो हमारे चैनल पर नए हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।